Hello friends, welcome to Join VLAN. दोस्तों डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग के इस नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में दोस्तों VLAN कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से की जाती है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं कि इस वीडियो के थ्रू हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, हम ये समझेंगे कि VLAN हमको क्यों रिक्वायर्ड होता है, किन कंडीशन में हमको VLAN बनाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम VLAN बनाना चाहते हैं तो कौन कौन सी डिवाइसेज हमको यूज़ करनी पड़ती हैं, और फाइनली हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास में वो डिवाइस है जिससे कि हम VLAN बना सकते हैं तो उसको किस तरीके से कॉन्फ़िगर किया जाए ताकि हमारे LAN के अंदर VLAN बन जाए। सबसे पहली चीज़ कि VLAN का जो फुल एब्रिविएशन होता है वो होता है वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। अब अगर हम नॉर्मल सिनेरियो देखें दोस्तों, जैसा कि ऑर्गेनाइजेशन में रहता है जहाँ पर कि किसी भी टाइप का कोई VLAN क्रिएट नहीं है, तो उसमें होता क्या है कि पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, वो सारे डिपार्टमेंट के सिस्टम्स किसी एक लेयर टू स्विच की मदद से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पर इन पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एक सिंगल IP की स्कीम हम रन करते हैं और उसके हिसाब से हम सारे ऑर्गेनाइजेशन के जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट है उनमें जो सिस्टम्स लगे हुए हैं उन पे हम IP असाइन करते हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि अगर यहाँ पर एक सिंपल लेयर टू स्विच रखा हुआ है तो वो किसी भी डिपार्टमेंट को एक दूसरे से सेग्रीगेट नहीं कर सकता। यानी कि अगर हम चाहें कि मार्केटिंग सेक्शन वाला एडमिन सेक्शन के सिस्टम को एक्सेस ना कर पाए तो ये लेयर टू स्विच की मदद से पॉसिबल नहीं है। यानी कि मार्केटिंग सेक्शन वाला कभी भी एडमिन सेक्शन के सिस्टम को एक्सेस कर सकता है, एडमिन सेक्शन वाला कभी भी फाइनेंस के सिस्टम को एक्सेस कर सकता है, फाइनेंस वाला कभी भी कस्टमर केयर को या एडमिन को या मार्केटिंग को एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि अगर फाइनेंस सेक्शन में कोई एक ऐसा एम्प्लॉई है जो कि मार्केटिंग सेक्शन या एडमिन सेक्शन की किसी की इन्फॉर्मेशन, किसी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन को हैक करना चाहता है, तो फाइनेंस वाले सिस्टम के लिए बहुत ही आसान होता है कि वो सिस्टम को एक्सेस करे और उसमें रखी हुई इन्फॉर्मेशन को वो हैक कर ले। तो ऐसे समय पे इसका जो सॉल्यूशन निकाला जाता है वो ये निकाला जाता है कि हम एक फिजिकल लैन के अंदर छोटे छोटे से वर्चुअल लैन क्रिएट कर दें जिससे कि हर सेक्शन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहे, कोई सेक्शन का सिस्टम किसी दूसरे सेक्शन के सिस्टम को एक्सेस ना कर पाए जब तक कि उसे अलाउ ना किया जाए। तो VLAN बनाने का फ़ायदा ये होता है कि एक फिजिकल नेटवर्क के अंदर हम छोटे छोटे से लॉजिकल ग्रुप बना देते हैं और जो लॉजिकल ग्रुप बनते हैं कम्युनिकेशन सिर्फ उन्हीं लॉजिकल ग्रुप के अंदर ही अंदर पॉसिबल होता है। अगर इंटर लॉजिकल ग्रुप या इंटर ग्रुप कम्युनिकेशन करवाना हो तो ये कम्युनिकेशन हमारा जो डिवाइस होती है जो VLAN बनाती है बेसिकली वो उसे रोक देती है। तो इस तरीके से एक डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन दूसरे डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन से अलग हो जाती है और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सिक्योर हो जाती है। तो ये VLAN बनाने का दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। अब VLAN अगर आपको बनाना हो तो आपको कौन सी डिवाइस लानी पड़ेगी VLAN बनाने के लिए? दोस्तों VLAN जो होता है वो बेसिकली एक मैनेजेबल स्विच की मदद से बनाया जाता है। नॉर्मली हमारे पास जो स्विच होते हैं वो लेयर टू स्विचेज होते हैं, लेकिन अगर आप VLAN क्रिएट करना चाहते हैं तो आपके पास में लेयर 3 स्विच का होना ज़रूरी है। तो सिस्को कंपनी के, दूसरी कंपनी के बहुत सारे मैनेजेबल स्विचेज आते हैं जो कि हम VLAN क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी आप ये भी सोच सकते होंगे कि VLAN बनाने के लिए हम क्या राउटर को यूज़ कर सकते हैं? तो हम राउटर को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन राउटर बहुत एडिशनल और ये हाई फंक्शनैलिटी वाली डिवाइस होती है, काफ़ी महंगी आती है। तो उससे अच्छा रिप्लेसमेंट है कि आप एक राउटर के बजाय एक लेयर 3 स्विच लगाएं जो कि आपके लॉजिकल ग्रुपिंग का काम भी कर देगा और प्लस आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा। इसके लिए हम मैनेजेबल स्विचेस यूज़ करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि VLAN की कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से की जाती है। एक चीज़ आप लोग और ध्यान रखिए इसमें दोस्तों कि जो VLAN बनाया जाता है वो VLAN हमेशा पोर्ट बेस्ड VLAN बनाया जाता है। VLAN IP बेस्ड VLAN नहीं बनाया जाएगा, VLAN बनाया जाएगा पोर्ट बेस्ड। यानी कि हम इस मैनेजेबल स्विच के किसी भी पोर्ट को असाइन करेंगे कि उस पोर्ट पे जो जो भी ट्रैफिक आने वाला है, जो भी डेटा आने वाला है, वो एक
वीलैन के आईडी को बिलोंग करेगा। जैसे हमने मार्केटिंग सेक्शन को वीलैन 10 दे दिया, तो मार्केटिंग सेक्शन के सिस्टम जिस भी पोर्ट से कनेक्टेड होंगे इस मैनेजेबल स्विच के, मान लीजिए इस स्विच के पास में 4 पोर्ट है, 1, 2, 3 एंड 4, तो हम इस पोर्ट को एक्सेस करेंगे और इस पोर्ट को वीलैन आईडी असाइन कर देंगे। तो ये जितने भी पैकेट इस पोर्ट पर रिसीव करेगा उन सारे के सारे पैकेट को एक वीलैन के साथ आप कह सकते हैं कि बाइंड कर देगा। और चूंकि हमने यहाँ पर इंटर वीलैन कम्युनिकेशन ब्लॉक कर रखा है, इसलिए कभी भी एक वीलैन का सिस्टम दूसरे वीलैन के सिस्टम को एक्सेस नहीं कर पाएगा जब तक कि हम उसको स्विच पर जाकर अलाउ ना कर दें। तो ये हमारा नीड हो गई, प्लस कॉन्फ़िगरेशन आप लोग समझ गए होंगे कि हमको मैनेजेबल स्विच यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, और ये भी समझ गए होंगे कि यहाँ पर राउटर के बजाय हम मैनेजेबल स्विच क्यों लगा रहे हैं। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लोग पैकेट ट्रेसर की मदद लेंगे। पैकेट ट्रेसर पे किस तरीके से काम करना है इसके लिए आप मेरे पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक नेटवर्क सिनेरियो बना लेते हैं जिसमें कि हम कुछ डिवाइसेस ले लेते हैं। फिर स्विच की कैटेगरी पे आते हैं और यहाँ पर एक मैनेजेबल स्विच ले लेते हैं। अब इसके बाद इनकी कनेक्टिविटी कर लेते हैं, केबल्स की कैटेगरी पे आते हैं और कनेक्टिविटी कर लेते हैं। फास्ट ईथरनेट स्विच पे लेके जाइए, ऊपर वाले सिस्टम को 0 पोर्ट पे कनेक्ट करिए और नीचे वाले सिस्टम को 0/2 पोर्ट पे कनेक्ट करिए। एक स्विच को दूसरे स्विच से कनेक्ट करना है तो तीसरा पोर्ट यूज करिए, FA03। अब इसके बाद में सिस्टम को डबल क्लिक करिए, इसकी कॉन्फ़िगरेशन पे आइए, इंटरफेस पे आइए और यहाँ पर सिस्टम पे आईपी एड्रेस असाइन करिए। तो मैं जो सीरीज़ ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ 10.1.1.0/24 की, आप जो भी सीरीज़ चाहे वो ले सकते हैं, सॉरी 10.0.0.0/8 की सीरीज़ में ले रहा हूँ, उसके हिसाब से मैंने रेंडमली ये आईपी एड्रेस असाइन कर दिए हैं। आप जो दूसरी सीरीज़ लेना चाहें आप अपने नेटवर्क के हिसाब से बना सकते हैं। तो ये मैंने आईपी एड्रेस असाइन कर दी, इसको क्लोज करिए, दूसरे सिस्टम पे आइए। इसको असाइन करिए 10.1.1.2, तीसरे पे आइए, चौथे पे आइए, हमारा जो नेटवर्क सिनेरियो है उसके हिसाब से ये दो सिस्टम एक डिपार्टमेंट को बिलोंग करेंगे। ये दो सिस्टम किसी दूसरे डिपार्टमेंट को बिलोंग करेंगे। तो हम यहाँ पे दो अलग अलग डिपार्टमेंट क्रिएट कर लेते हैं। अब सबसे पहले PC0 पे आते हैं और कोशिश करते हैं कि वो ये चेक करने की कि वो एडमिन डिवीज़न के सिस्टम को एक्सेस कर पा रहा है कि नहीं। तो ये 10.1 है और ये 10.1.1.2 है। तो यहाँ पे आते हैं डेस्कटॉप पे कमांड प्रॉम्प्ट पे 10.1.1.2। तो यहाँ पर देखिए पिंग कर रहा है,
रिप्लाई आ रहा है इसको, यानी कि ये सिस्टम एक्सेसिबल है। थ्री को पिंग करिए, ये भी एक्सेसिबल है। तो सारे सिस्टम एक दूसरे से अभी एक्सेसिबल है। हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर लिमिटेशन लगानी है कि सिर्फ मार्केटिंग डिवीज़न वाले सिस्टम ही आपस में एक्सेस कर पाएँ, एडमिन वाले सिर्फ आपस में एक्सेस कर पाएँ, मार्केटिंग वाले एडमिन को या एडमिन वाले मार्केटिंग को एक्सेस ना कर पाएँ। तो इसके लिए हमको स्विच को एक्सेस करना होगा। डबल क्लिक करिए, CLI पे आइए, एंटर कीजिए, यहाँ पर कमांड लिखिए इनेबल, एंटर कीजिए। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आने के लिए लिखिए Config T, एंटर कीजिए। अब यहाँ पर इंटरफेस के अंदर आइए, आप लिखिए इंटरफेस और फिर इंटरफेस का नाम। सबसे पहला इंटरफेस है 0/1। यहाँ पर कमांड चलाइए स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। स्विच पोर्ट का मोड हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, एक्सेस मोड यूज़ कर रहे हैं। हम यहाँ पर कमांड लिखिए स्विच पोर्ट एक्सेस और VLAN का ID असाइन करिए कि कौन सा VLAN इस पोर्ट पे आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। तो हम पहले सिस्टम पे हैं, पहले इस 0/1 पर हमने पहला यानी मार्केटिंग डिवीज़न का सिस्टम कनेक्ट किया है, इसको हम असाइन करेंगे VLAN 10। कॉन्फ़िगरेशन एंड कीजिए, कॉन्फ़िगरेशन राइट कर लीजिए, फिर से कमांड चलाइए Config T। अब दूसरे इंटरफेस में आइए, इंटरफेस FA 0/2। ये जो है 0/2, इस पर दूसरा यानी एडमिन डिवीज़न का सिस्टम कनेक्टेड है। यहाँ पे कमांड चलाइए वापस से सेम स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस और यहाँ पे VLAN बदल दीजिए, VLAN का ID चेंज कर दीजिए। ऊपर 10 दिया था तो यहाँ पर हम 20 देंगे। एग्जिट कीजिए, कमांड राइट कर दीजिए। अब इसके बाद में दूसरे स्विच पे आइए और दूसरे स्विच पे भी यही कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, इनेबल कमांड देन Config T। इंटरफेस के अंदर आइए, ये जो कमांड मैं कंप्लीट करता जा रहा हूँ तो मैं टैब का बटन प्रेस कर रहा हूँ ताकि वो ऑटोमेटेड सिस्टम मेरी कमांड को कंप्लीट कर दे। ऊपर वाला सिस्टम यानी कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट का है जिसको हम VLAN 10 असाइन कर रहे हैं। यहां से एग्जिट करिए। इसके बाद मैं दूसरे इंटरफेस पे आइए, इंटरफेस FA 0/2। यहाँ पर दूसरा सिस्टम है आपका एडमिन वाला, इसको VLAN 20 असाइन कीजिए, एंड करिए और कॉन्फ़िगरेशन को राइट कर लीजिए ताकि सेव हो जाए कॉन्फ़िगरेशन। अब दोस्तों हम भी अभी तक हम लोगों ने जो किया है वो समझ लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने PCs पे IP कॉन्फ़िगर करें और जो स्विच है इसके FA 0/1 पे VLAN 10 असाइन करा है और 20 पे VLAN FA 0/2 पे VLAN 20 असाइन करा, और यही चीज़ हमने दूसरे स्विच के साथ करी है। तो ये जो मोड हमने एक्सेस करा था ये मोड था एक्सेस मोड। अब ये जो स्विच है ये क्या करेगा, इस VLAN का डेटा एग्रीगेट करेगा और दूसरे स्विच को भेजेगा। तो जिस पोर्ट के थ्रू ये स्विच आपस में कनेक्टेड होते हैं इस पोर्ट को बोला जाता है ट्रंक पोर्ट। तो अभी हमने एक्सेस पोर्ट को कॉन्फ़िगर करा है, अब हम ट्रंक पोर्ट को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो आइए पहले स्विच पे और अब ट्रंक पोर्ट कॉन्फ़िगर करिए ताकि एक VLAN का जो डेटा है, मतलब एक जो आपका पहला स्विच है वो पूरा VLAN का डेटा दूसरे स्विच को पास कर दे या फॉरवर्ड कर दे।
तो अब वापस से हम आते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, इंटरफेस पे आते हैं। तो हमने इंटरफेस लिया था 0/3, यहाँ पर कमांड चलाएंगे स्विच पोर्ट मोड, और मोड क्या चल रखेंगे अब हम ट्रंक, फिर कमांड चलाएंगे स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN ऑल, एंड कर देंगे और कॉन्फ़िगरेशन को राइट कर देंगे। इस स्विच की कॉन्फ़िगरेशन हो गई है, अब हम आते हैं दूसरे स्विच पे, स्विच वन पे। तो जो ट्रंक पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन जैसे ही हमने स्विच 0 पे करी थी, अब इसको स्विच 1 पे करेंगे। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, देन एंटर कीजिए इंटरफेस के अंदर, कमांड चलाइए स्विच पोर्ट मोड, मोड क्या रहेगा आपका ट्रंक, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN ऑल, एंड कीजिए, कॉन्फ़िगरेशन को राइट कर दीजिए। अब हमारे एक्सेस पोर्ट क्रिएट हो गए हैं यहाँ पर 0 और 2 पे, और 3 पे हमने ट्रंक पोर्ट कॉन्फ़िगर कर दिए दोनों स्विच पे। तो हमारे सिस्टम की और स्विच की दोनों कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई है। जो हम ये 4 सिस्टम के बीच में कर रहे हैं, जैसे जैसे सिस्टम बढ़ते जाएंगे यही कॉन्फ़िगरेशन रिपीट होती जाएगी। अगर तीसरा सिस्टम कनेक्ट कर देते हैं तो तीसरे पोर्ट पे आएंगे, मान लीजिए कि इसमें 0/4 पोर्ट पे एक और सिस्टम कनेक्ट कर देते हैं, तो उस सिस्टम स्विच पे आएंगे, स्विच के अंदर इंटरफेस पे आएंगे 0/4 पे, और उस पर असाइन कर देंगे VLAN 10 जो मार्केटिंग डिवीज़न के लिए हमने यूज़ किया है। तो यही कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली रेप्लिकेट होती जाएगी। ट्रंक पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी क्योंकि एक ही पोर्ट है जो एक स्विच को दूसरे स्विच से जोड़ रहा है। जैसे जैसे नए सिस्टम जुड़ते जाएँ आप उस इंटरफेस के अंदर आते जाइए और VLAN असाइन करते जाइए, ताकि एक लॉजिकल ग्रुप के अंदर सिस्टम जो है वो ऐड होते जाए। अब हम फाइनली चेक कर लेते हैं कि वाकई में जो मार्केटिंग डिवीज़न के सिस्टम हैं वो एडमिन डिवीज़न के सिस्टम से अलग हुए हैं या नहीं। तो वापस से आते हैं हम डेस्कटॉप, देन कमांड प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने जो IP यूज़ करे मार्केटिंग के लिए 10.1.1.1, एडमिन के लिए 10.1.1.2, यहाँ पर 10.1.1.4। तो इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले पिंग चलाते हैं 10.1.1. PC0 से मैं पिंग करता हूँ PC2 को, जो उसी का पार्ट है, उसी के VLAN का पार्ट है 10.1.1.3। तो यहाँ देखिए रिप्लाई आना शुरू हो गया, यानी कि ये दो सिस्टम मार्केटिंग के आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अब मैं 3 की जगह पिंग करता हूँ 2 को, तो यहाँ देखिए मुझे रिक्वेस्ट टाइम आउट आना शुरू हो जाएगा, यानी कि मार्केटिंग डिवीज़न वाला सिस्टम अब एडमिन के डिवीज़न से सेपरेट हो गया है। दोनों डिवीज़न जो है एक दूसरे से अलग हो गए हैं, एक्सेस नहीं किए जा सकते, इंटर VLAN कम्युनिकेशन यहाँ पर अलाउड नहीं है। बिल्कुल वैसे ही हम एडमिन डिवीज़न के सिस्टम से भी वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे करते हैं पिंग 2 से हम करते हैं 4 को, तो यहाँ देखिए रिप्लाई मिल रहा है। अब हम यहाँ पर पिंग करते हैं 2 से 3 को, तो यहाँ पर देखिए आपको फिर से यहाँ पर टाइम आउट मिलेगा। पैकेट कैप्चरिंग यूटिलिटी की मदद से आप यहाँ पर सिमुलेशन मोड पे आइए, और यहाँ से आप अगर PDU ऐड भी कर देते हैं तो ये आपको सिमुलेशन मोड में दिखा देगा कि आपके पैकेट जो है वो एक मशीन से दूसरी मशीन पर पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये आप वेरिफिकेशन अपने पैकेट ट्रेसर पर बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था VLAN के कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट, कौन कौन सी चीज़ें आपको लगती हैं और फाइनली VLAN की कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।